आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सीएम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। अगर आपने अभी तक कोई टॉपिक नहीं कवर किया, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस कौन सा करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर्स कौन करना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उससे में आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर करना है, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में कितना टॉपिक दिया गया। आपके पांच टॉपिक्स हैं, जिसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट टू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये करना है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप पांचों क्वेश्चंस कवर करते हो तो आप देखोगे हर साल में इन्होंने क्या किया, पांच में से कोई एक टाइप, मींस कोई भी एक टाइप बिजनेस का क्या किया, लॉन्ग आंसर में क्या किया, कवर किया है। मींस अगर पांचों टाइप आपने किया, इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में कवर हो जाएगा, मींस 10 मार्क्स आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एंड सेकंड बेनिफिट आपका क्या रहता है, इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। मींस आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में आपको मेरिट्स या फिर डिमेरिट्स दोनों साथ में पूछे जाते हैं, अदरवाइज आपको क्या रहता है, फीचर्स पूछा जाता है। तो फीचर्स के लिए मैंने क्या बोला था आपको, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का पॉइंट आप यूज करके क्या कर सकते हो, फीचर्स रेडी कर सकते हो। तो इसके साथ में आपको क्या रहेगा, एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स आपका कैसा रहेगा, मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग हो सकता है या फिर डीमेरिट्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग, मतलब आपको मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स करके पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको फीचर्स करके पूछा जाएगा। तो आपको सेम अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया तो 6 to 7 पॉइंट्स आपको, सेवन टू एट पॉइंट्स, 37 पॉइंट कवर करना है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का मिक्सअप करके आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, पॉइंट्स रेडी कर देना रहेगा। तो मींस आपका 10 मार्क्स का मैंने बताया एक लॉन्ग आंसर कवर हो जाता है, 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स कवर हो जाता है, सेकंड दो कोई भी डिस्टिंग्यूज आपको आता है। तो डिस्टिंग्यूज में क्या रहेगा, आपको पांचों का डिस्टिंग्यूज आप देख लोगे, डिस्टिंग्यूज कवर कर लोगे, और साथ में आपको प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जो आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है वो भी डिस्टिंग्यूज में क्या करना है, कवर कर लेना है। मींस आपका कितना हो जाता है, 10 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर कवर हो जाता है, 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स कवर हो जाता है, दो डिस्टिंग्यूज कवर हो जाते हैं, मींस 25 मार्क्स का कवर हो जाता है। लास्ट इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्या, इसी पांचों टॉपिक में से आपसे एग्री एंड डिसएग्री, मींस ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन पूछा जाता है। मींस फर्स्ट चैप्टर का क्लियर करते हो तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है, प्लस 3 मार्क्स का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। तो सबसे पहले इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर करना है, मींस पांचों टाइप आपने किया जिसका बेनिफिट क्या रहेगा, 30 मार्क्स आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, फिफ्थ चैप्टर का आपका डिशिंग यूज लेना है, डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। इसका जो सेकंड डिसीजन जो आपको लेना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कमीशन का क्वेश्चंस लेना है, तो आपका क्या रहेगा, डिस्टिंग्विश कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना है, तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले इसके बाद जो जाना है, थर्ड चैप्टर को आपको लेना है। थर्ड चैप्टर में आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, दो क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए बिजनेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए बिजनेस लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, इसका क्या रहेगा, आपको एडवांटेज नहीं तो डिसएडवांटेज आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो दोनों क्वेश्चन में आपको थर्ड चैप्टर से दो ही क्वेश्चन आपको करना है, आउटसोर्सिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड ई बिजनेस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर ये दो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, तो आप किस पे जाओगे, चैप्टर नंबर 5 पे, वहां से भी आपको दो ही क्वेश्चन रेडी करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मींस आपको वहां से भी दो ही क्वेश्चन क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि दो में से एक क्वेश्चन आना वहां से क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अगर इतना सिलेबस आपका कवर हो जाता है तो आप डायरेक्टली किस पे जाएंगे, मैनेजमेंट टॉपिक पे जाएंगे, वहां पे आपको जाके सबसे फर्स्ट जो दो ही क्वेश्चन रेडी करना है, कौन से दो क्वेश्चन आपका, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्लोरल का क्वेश्चन ऐड करना, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्लोरल आपका कंप्लीट होता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, में 6 फंक्शन जो है उसका एक कौन, क्योंकि 6 फंक्शन से एक का इंपॉर्टेंस आना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने बताया था कि 6 जो फंक्शन है उसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स जो है आपके क्या रखे गए, कॉमन रखे गए। तो आप पॉइंट्स का यूज करके अंदर के कंटेंट में जो फंक्शन आपको आता है उसके बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट आना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो आप किसी भी एक फंक्शन का इंपॉर्टेंस आप रेडी कर दोगे तो आपका सब फंक्शन का रेडी क्या हो जाएगा, पॉइंट्स क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सबसे पहले कवर करने, जिसमें मैंने बता दिया जो टॉपिक्स मैंने बताया हर मींस चैप्टर नंबर 3, 5 and 6 का एक एक शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट आपको एग्जाम में क्या होने वाला रहने वाला है। एंड 6 चैप्टर मींस मैनेजमेंट पार्ट से आपको एक गिव रीजन भी आएगा, मींस अगर आपने थोड़ा सा प्रॉपर किया उस चैप्टर का तो आपको गिव रीजन भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर इतना सिलेबस आपका कवर हो गया तो इसके अलावा मैंने मींस और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये तो हो गया लिमिटेड है, जिसका सिलेबस नहीं हुआ तो 2 डेज में जो आपका गैप दिया गया एसपी के एग्जाम के बाद 2 डेज में आप इतना सिलेबस को एटलीस्ट कवर करो। अगर ये आपका ऑलरेडी कवर किया गया सिलेबस है तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले पूरा इंपॉर्टेंस वीडियो ओसीएम का अपलोड किया था, वो आप जाके वहाँ पे लिंक में देख सकते हो। थैंक यू सो मच।